हेलो व्हाट्स अप गाइस, हाय मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिया ब्लॉग। सो आज हम विजिट करने वाले हैं दिल्ली का मशहूर कनॉट प्लेस के अंदर जो बंगला साहिब है, आज हम विजिट करने वाले हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में रोज वहाँ पे लंगर बनता है और लोगों को बांटा जाता है गरीब लोगों को। अब वो बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत एक जो गुरुद्वारा है दिल्ली का मशहूर गुरुद्वारा सीपी के अंदर आज हम वो विजिट करने वाले हैं। सो प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इसको रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल पे रेस्टोरेंट, बार, डिस्को, टूरिस्ट प्लेस एंड इंटरेस्टिंग प्लेस, शॉपिंग प्लेस, स्ट्रीट फूड, इन सब के बारे में पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ मौका मिलेगा और मेरे साथ पूरा इंडिया घूमेंगे। जैसे जैसे मैं जाऊंगा मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए हर वीक या हर हफ्ते जैसे कि एक वीडियो लेकर आऊँ, एक नया कंटेंट लेकर आऊँ, एक नई जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ आपके लिए लेकर आऊँ। मैं कोशिश करता हूँ हर वीक लाने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो ये एफबी पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज के ऊपर मेरे, तो प्लीज़ आप पेज को सब्सक्राइब कर लिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फाइनली गाइज हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये गुरुद्वारा बंगला साहिब कनॉट प्लेस में है। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा विशाल गुरुद्वारा है। आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे काम हुआ हुआ है। ये पिलर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर गेट पे टोटली एकदम फैंसी काम हुए हुआ है। तो हम और भी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये जैसे इसकी एंट्री है और अभी हम अंदर जाके जानेंगे यहाँ कैसे एंट्री होती है, कौन कौन से रास्ते हैं, कैसे जाना है अंदर, तो वो सब कुछ हम देखते हैं जी। गेट से अभी हम आ रहे हैं, वो उसका बड़ा गेट है। इसके और भी गेट हैं लेकिन जो हम जिस गेट से हम अभी एंट्री करी है हमने, दैट इज़ अ मेन गेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग सो भी रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है उनके सोने का। जो मुसाफिर हैं, दूर से आए हुए हैं, या जो लोग परेशान होते हैं, वो यहाँ पर आके अपना स्थान लेते हैं और थोड़ा यहाँ रेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ इनको परमिशन होती है। सो तो अभी हम एंट्रेंस पे ही हैं, एंट्री कर रहे हैं और आप देखते रहिए। मैं अंदर तक जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको देकर जाऊँगा और दिखाऊँगा। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, मैं मालूम करता हूँ किस चीज़ की लाइन है, फिर मैं आगे फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने मालूम करा है यहाँ पे ये लंगर की लाइन लगी हुई है, जो कि यहाँ पे खान पान के लिए बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे एक एक करके सबको, आप देख रहे हैं सबके हाथ में प्लेटें हैं और सबको एक के बाद एक प्लेट मिली रही है, और यहाँ से इनको कुछ खाने के लिए मिला है। देखिए छोले भटूरे दिए जा रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पर सबके लिए खाने के लिए, हज़ारों की तादाद में रोज़ से यहाँ खाना बनता रहता है और बांटा जाता है। देखिए एक एंट्रेंस गेट और आ गया है यहाँ पे चलने के बाद, ये भी एक विशाल गेट है। मैं आपको उसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए कि विशाल गेट है, अंदर आने के बाद एक गेट और पड़ता है ये। तो अभी हम देखते हैं अंदर जाने के लिए कैसे, मुझे यहाँ शूज़ जमा कराने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले वो मालूम करता हूँ यहाँ पे शूज़ कहाँ जमा होते हैं, देन फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी मालूम करा है कि उधर की साइड मुझे बताया गया है कि पहले यहाँ शूज़ जमा कराए जाते हैं, जैसे भी आप पहन के आते हो तो वो यहाँ जमा करा दिए, और यहाँ पर उसके लिए टोकन मिलता है आपको, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले यहाँ पे शू जमा करा दें अपने, देन फिर जाएंगे।
मैंने भी अपने शूज उतार लिए हैं एंड मैं भी जा रहा हूँ जमा कराने अपने जूते। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे जूता घर, तो प्लीज़ यहाँ पे सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से है, तो आप यहाँ पर आकर जमा कराइए क्योंकि सब यहाँ पर अपने शूज़ रिमूव करते हैं और जमा कराते हैं, तो सारा प्रोसेस सभी यहीं पर रहता है। ये सामने काउंटर्स बने हुए हैं, तो यहाँ काउंटर पर आप अपने शूज़ जमा करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना शूज़ दे दिया है और यहाँ पे टॉकिंग दिए जाते हैं हमें शूज़ के लिए जैसे हम जमा कराते हैं, और यहाँ पे तादाद भी है 24 घंटे लोग सब से यहाँ पे आते रहते हैं और शूज़ जमा कराते हैं, उसी के बाद एंट्री होती है। देखिए मुझे मेरा टोकन मिल चुका है जिसका नंबर 137 है, तो ये मैंने ले लिया है। जब मैं वापस आऊँगा अंदर से तो मैं अपना टोकन देकर यहाँ से अपने शूज़ ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, आपके शूज़ इधर कहीं खोएंगे नहीं और आपके शूज़ आपको मिल जाएगा। तो मैं अब और आगे बढ़ता हूँ आपको और दिखता हूँ कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आज विज़िट कर रहा हूँ, तो जितना पॉसिबिलिटी होगा मैं आपके लिए वो सब शूट करूँगा, सो देखते रहिए आप। ये यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, देखिए सब यहाँ पे लोग इसको चूम के आगे बढ़ते हैं मत्थर टेक के, यहाँ पानी से होते हुए ये आगे जाया जाता है। और यहाँ पर अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं, आप देखिएगा कितना मतलब किस तरीके से सब लोग यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं, छूते हुए चरण अंदर ग्रहण करते हैं। ये देखिए ये एक बहुत ही विशाल बंगला साहिब दिल्ली के अंदर है, जो एक खूबसूरती में देखा जाए तो एक वाइट मार्बल से बना हुआ है और ये एक बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा सा मैं आपको करीब जाके इसकी वाइट मार्बल की थोड़ी नक्काशियाँ जो हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप कितना ये खूबसूरत मार्बल से बना हुआ है और बहुत अच्छे इसमें डिज़ाइन भी है, ये सारा काम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ये चीज़, ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। तो दिल्ली में अगर आप आते हैं और बंगला साइड जाएं तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और थोड़ा मैं आउटिंग एरिया और आपको विजिट कराता हूं, जो मेन इनका प्रे हॉल होता है, मैं उसके बाहर अभी सब ये शूट कर रहा हूं प्रे हॉल के बाहर। ये जो आप देख रहे हैं इनसाइड प्रे हॉल है और ये मैं आउटसाइड में बाहर इसको शूट कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा है और मतलब खूबसूरत भी बना हुआ है, जो मतलब इसके लिए तारीफ हमें करनी चाहिए, जो नक्काशी हैं और इस तरह से वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो सो मैंने भी आज पहली बार इसको विजिट करा है और मुझे मालूम हुआ है कि मतलब यहाँ कैसे काम है हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। और ये देख सकते हैं अभी ये इनसाइड है और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इनसाइड। ये परफॉर्मेंस हॉल है जहाँ पे यहाँ पे सब परफॉर्म्स कर रहे हैं, अपने गुरु की बातें को सुन रहे हैं, जो धार्मिक बातें हैं वो सब यहाँ उनको जानने के लिए मिलती हैं, तो सब यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सभी यहाँ पे वाहेगुरु का मान सम्मान करते हैं, आकर सब प्रे करते हैं। आप देखो कितना ये एकदम गोल्डन बना हुआ है, तो यहाँ पे सब प्रे करते हैं खड़े होके। सब यहाँ परफॉर्मेंस में लगे हुए हैं और यहाँ हजारों की डेली तादाद में लोग आते हैं और यहाँ विजिट करते हैं, दिल्ली से ही सही और बाहर से भी सब उसमें डेली लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। देखिए ये, और मैं एक साइड से एंटर किया था एंड उसी साइड से मैं बाहर जा रहा हूँ।
सब यहाँ पे वाहिगुरु के बारे में जो मतलब धार्मिक बातें हैं वो सब हो रही हैं, और सब यहाँ पे उसको अच्छे से सुन रहे हैं। और ये मैं दूसरी साइड से बाहर आ चुका हूँ, तो ये अभी मैं नाइट में यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो आप देखो कि दूसरी साइड से एंट्रेंस से मैं बाहर निकलता हूँ, तो वही सेम लुक जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी वही सेम लुक यहाँ पर है। और मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाता हूँ एक साइड, जहाँ पे यहाँ पे एक हॉर्स टाइप एक बड़ा सी वो बना हुआ है पानी का, दिखाता हूँ, वो बहुत ही विशाल बना हुआ है यहाँ पे, तो हम वो भी देखते हैं। ये देखिए लोग यहाँ पे मतलब अपनी जो धार्मिक परफॉर्मेंस के लिए इसमें आते हैं, और पानी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं कैसे सब कर रहे हैं, देखिए बहुत विशाल सा इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है पानी का। देखिए कुछ लोग आए हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से क्या किया जाता है। ये चरणों में पानी डाल के और उसे छपका लगाते हैं ऐसे, और ये वाहेगुरु के आगे हाथ जोड़ा जाता है ऐसे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो गाइस आज हमने ये पूरा इसको एक्सप्लोर कर लिया, दिल्ली कनॉट प्लेस बंगला साहिब को, ठीक है। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार आप उसको लाइक कर दें। आपको वीडियो में अगर कोई कमी या कोई अच्छी बात लगती है तो उसको कमेंट में मुझे बताइए प्लीज़। यदि अगर मेरी वीडियो में मेरी कुछ परफॉर्मेंस में कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे वो बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और हमारे साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो, ठीक है। और बस अब मैं अपनी बात को पूरी करते हुए ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आई थिंक आप समझ ही गए होंगे जिस तरह से मैंने पूरी कोशिश करी है बंगला साहिब दिखाने की। तो आई थिंक आप मतलब आपको आइडिया हो गया होगा मेरी इस वीडियो से कि कैसे यहाँ पे आना है, क्या एंट्रेंस कराने हैं, कितने गेट हैं, किस तरह से विशाल गेट हैं, तो वो सब आपको यह देखने के लिए मिल गया। सो गाइज थैंक यू।